हमीरपुर में चुनावों के नजदीक सियासी पारा चढ़ने लगा है और आरोप प्रत्यारोपों का जोर जारी हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस को रेल लाइन के मुद्दे पर बयानबाजी करने पर खरी खोटी सुनाई है, तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने अनुराग ठाकुर को गुरु ज्ञान देते हुए झूठी राजनीति न करने की सलाह दी है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि आज बैकफुट पर पूरे देश में बीजेपी पार्टी है और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा कि अनुराग ने वायदा किया था कि हमीरपुर तक रेल पहुंचेगी, लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भी पता नहीं है कि रेल सर्वे हुआ भी है या नहीं। बैकफुट पे कांग्रेस नहीं है, बैकफुट पे तो आज भारतीय जनता पार्टी न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे देश में झूठ बोलने की वजह से। और अनुराग झूठ बोलने में अपवाद नहीं हो सकते, अनुराग झूठ बोलते हैं तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया उन्होंने अपना माफीनामा देखे। अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने रेल का वायदा किया था, हमीरपुर पहुंचेगी रेल पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे। और किसी चीज़ का सर्वे होना, ये दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने वादा सर्वे का नहीं किया था, हमें तो भी नहीं पता सर्वे कब हुआ, कहाँ से हुआ, वो हवाई जहाज के मार्ग से आएगी रेल या नीचे से आएगी, सुरंग से आएगी, कहाँ से आएगी, समुद्र से आएगी, कहाँ से, सर्वे कोई नहीं जानता उसको, और अनुराग जी को पता होगा। लेकिन वायदा भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे का नहीं रेल का किया था, और वो रेल दूर दूर तक अभी कई वर्षों तक वो नज़र नहीं आती कि आएगी। कोई कागज़ कुगज की खिलौना रेल ले आए तो अलग बात है। और इस चुनाव में क्योंकि रेल के नाम पर झूठ बोला है मोदी जी ने भी हमीरपुर आकर सुजानपुर में आके, और अनुराग जी तो रोज़ बोलते हैं, तो इस चुनाव में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की और खासकर हमीरपुर की जनता मोदी जी की भी और अनुराग जी की दोनों की रेल बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक शोशे ही किए हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही सबूत दें कि अनुराग ने कब कहा था कि रेल पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अपने समय में कांग्रेसी भी बातें करते थे, लेकिन रेल लाइन 1973 से 1990 तक ऊना तक ही पहुंच पाई थी। उस कांग्रेसी जो भी ये बोल रहा है, मैं उस कांग्रेसी से जरा सबूत दे भी कब बोला था भी पहुंच जाएगी, और रेल इतनी दूर पहुंचाना इसके अलग अलग चरण हो गए, और पहला चरण इसका जो है वो कंप्लीट हो गया है, सर्वे का चरण कंप्लीट हो गया है। और बेसिकली गवर्नमेंट ने ये माना है कि ये रेलवे लाइन बनेगी, तो उसका समय लगता है। अब कांग्रेस जी तो 1973 में ललित नारायण मिश्रा बोल गए थे भितरवाड़ा तक पहुंचानी है, लेकिन 1990 में धूमल जी जब मेंबर पार्लियामेंट बने थे तब वो ऊना तक पहुंची थी। 1973 से 1990 तक नंगल से ऊना तक नहीं पहुंची थी। तो कांग्रेसियों को आदत है कि बिना बात के एक कांग्रेस नेता का